चलिए नजर डालते हैं इस वक्त न्यूज प्राइम 24 की कुछ खास खबरों पर। भाजपा संस्थापक सदस्य सह पूर्व राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा ने साधा विपक्ष पर निशाना, कहा दलितों को गुमराह करने के बजाय दलित मुख्यमंत्री घोषित करे राजद। पटना में मंगलवार को कदम कुआं चौराहा शिव मंदिर के समीप कुम्हरार विकास मंच ने सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मौत पर पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री का किया पुतला दहन। पालीगंज अनुमंडल कार्यालय पर 9 सूत्री मांगों को लेकर CPIM ने किया धरना प्रदर्शन। नवादा में प्रवासी श्रमिकों का आना लगातार जारी, मंगलवार को 1600 प्रवासी श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन पहुंची नवादा, सभी को स्क्रीनिंग कर घरों को किया गया रवाना। नवादा में वज्रपात से एक की मौत, आधा दर्जन लोग घायल। मृतक अशोक यादव अकबरपुर के शेखपुरा गांव का था रहने वाला। वहीं रजौली थाना क्षेत्र में गिरे वज्रपात से आधा दर्जन लोग को झुलसने की खबर। नवादा के पकड़ी बरावा पंचायत के बुधौली के उप मुखिया सुधीर यादव सहित सभी वार्ड सदस्यों पर नल जल एवं नली गली योजना में 30% कमीशन मांगने का लगा आरोप, कार्रवाई नहीं होने पर धरने पर बैठे ग्रामीण। मांझी के नए पैतरे से बिहार की सियासत में हलचल, NDA को राहत तो महागठबंधन में आफत। बिहार में कोरोना अटैक जारी, एक साथ मिले 74, पटना के दो इलाकों में नए मामलों के साथ आंकड़ा पहुंचा 6810।